लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो है प्रशासन की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसी विषय को लेकर आज पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सबसे पहले इसमें तो जो पॉइंट्स है जो बिंदु है वो ये बताया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पुलिस की जिम्मेदारियां क्या होती है, उसके बारे में इस पर विस्तार से चर्चाएं की गई। पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस मामले को लेकर दिया गया। इसके अलावा डीप सर्च मेटल डिटेक्टर यानी कि DSMD पर विशेष चर्चा हुई, विशेष ट्रेनिंग दी गई जिसमें कि मेटल डिटेक्टर किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, इस विषय पर जो है जानकारी दी गई। इसके अलावा IED आप देखते होंगे अक्सर, हमने भी ये कई बार दिखाया है खबरों में कि IED जब ब्लास्ट करता है तो उसके चपेट में कई सुरक्षा जवान आ जाते हैं और कई सुरक्षा जवान अब तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इस IED ब्लास्ट को लेकर कैसे पुलिस को सतर्क रहना है, कैसे उससे बचाव करना है, इस मामले को लेकर भी चर्चाएं की गई और इस पर विशेष दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के द्वारा दिया गया। और फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेनिंग दी गई पुलिस पदाधिकारियों को कि चुनाव के दौरान फर्स्ट एड को किस तरह से जो है बिल्कुल तैयार रखना है ताकि जैसे ही काम पड़े और उसे प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से इन तमाम विषयों को लेकर आज पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के नेतृत्व में एक बैठक हुई।